हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, टशिदिल, सलाम वालेकुम। स्वागत करता है जीएस प्रोमो चैनल की एक और वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग दुबई आके जॉब करना चाहते हैं। मेरे पास दुबई सिर्फ नहीं, जो लोग हम सोचते हैं कि बाहर देश जाके हम काम करेंगे, बाहर देश से आप दुबई भी हो सकते हैं या गल्फ कंट्री हो सकते हैं या फिर यूरोप कंट्री भी हो सकते हैं, राइट। तो उन्हों जो सोच होते हैं वो सोच में ही रह जाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उसमें कई सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। जो प्रॉब्लम क्या है अभी इस प्रॉब्लम में हम कैटेगराइज करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं क्या क्या। जैसे कैटेगराइज करें तो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, मान लो किसी का प्रॉब्लम हो सकते हैं हमें इंग्लिश नहीं आता तो बाहर देश जाके हम कैसे जॉब कर सकते हैं, राइट। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है आपका, मान लो जैसे कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कभी स्कूल नहीं किया तो बाहर देश जाके कैसे काम करेंगे, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता, हम कैसे जाके वहाँ जॉब कर सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया। चौथा प्रॉब्लम होता है उसके पास पैसे भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, इंग्लिश भी आता है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होता कि वहाँ जाके करना क्या है, कैसे जॉब करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये सारा प्रॉब्लम है, तो हम इस प्रॉब्लम को तो समझ लिया, अभी इसका सलूशन क्या है ये लाते हैं। तो सलूशन बोलने से जहाँ तक मैंने अपना समझा है अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ये शेयर करूँ तो आपको, बस आज की दुनिया में दो चीज़ चलते हैं, या तो वेल क्वालिफाइड मतलब एजुकेटेड, दूसरा होना चाहिए आपका स्किल। ये दो ही चीज़ आप आज की दुनिया में लेके चल सकते हैं। आपके पास पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए आप इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है या लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, सो ऑन, राइट। यदि आप वेल एजुकेटेड या वेल क्या सर्टिफाइड होता जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सो ऑन, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ता, राइट। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चार प्रॉब्लम से फेस हो रहा है और इन चार प्रॉब्लम से फेस हो रहा है तो डेफिनेटली आप उतना एजुकेटेड या उतना वेल बैकग्राउंड से आप बिलोंग नहीं करते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, स्किल लाइन में जा सकते हैं। अब स्किल बोले तो क्या है, स्किल बोलते ऑब्वियसली कला, हिंदी में कला बोलते हैं, राइट। तो फिर कोई कला स्किल सीखने के लिए फिर हम कोर्स करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर इतना पैसा क्यों खर्चा करें। मेरे भाई कोई पैसे की जरूरत नहीं, किसी से कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मेहनत तो आपको जम के करना पड़ेगा क्योंकि आपको सोच ही बड़ा है भाई, आपको बाहर देश जाना है, आपका लाइफ बनाना है, फैमिली को देखना है, इतना सिर्फ इतना कुछ करना है तो डेफिनेटली मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, स्किल क्या क्या हो सकता है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पहला मान लो कुक हो सकता है, दूसरा मान लो ड्राइवर हो सकता है, तीसरा मान लो प्लम्बर, चौथा मान लो आपका कारपेंट्री, पांचवा मान लो कोई टेक्नीशियन, जैसे आप कोई भी गराज में जाते हो, है कि नहीं, गराज का काम सीखते हो, कल को गराज के लाइन में आप परफेक्शन हो जाते हैं, बहुत स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, तो और क्या, ठीक है। तो ये आप बिना ट्रेनिंग लिया, बिना कोर्स लिया कैसे करेंगे, बिना पैसे दिया। अरे भाई बहुत तरीका है, मान लो सपोज आप इंडिया में रहते हो, आपके पड़ोसन में किसी का पास गराज है तो आप जाके वहाँ उन लोगों को ये नहीं कहना कि मैं बाहर देश जाके जॉब करना इसलिए मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने आया, कोर्स लेने आया, बोलो मेरे को पैसा थोड़ा ज़रूरी है, क्या मैं आपके यहाँ आके मदद कर सकता हूँ, थोड़ा काम कर सकता है दिन को, आप मुझे दिन में चाहे 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दो, चलेगा। क्योंकि आपका गोल पैसा कमाना नहीं है, आपका गोल है चीज़ें सीखना, स्किल को लेना, है ना, कुछ चीज़ें को सीखना बिना पैसे दिए, राइट। ऑब्वियसली आप इतना सस्ते में काम करके दोगे बोलेगा उसको, मान लो 50 में 100 में आप जो भी काम कर रहे थे, अब लॉयल्टी करना है उसने, कभी बोलेगा आपको साफ करो, झाड़ू मार दो, पोछा मार दो, वो भी कर देना क्योंकि आपको चाहिए नॉलेज, है ना, जो आपके पास नहीं है, आपको स्किल चाहिए, आप वहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं गया, है कि नहीं। सो आपको फोकस रहना है स्किल में, तो आप वहाँ जाके एक हेल्पर के दौर में ज्वाइन कर सकते हो, है कि नहीं, हेल्पर के दौर में आप 1 महीना काम कर सकते हो, 2 महीना काम, लेकिन आपको फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ वो देखना चाहिए वो बंदा गाड़ी कैसे बना रहा है, वो बंदा कौन सा सामान डाल रहा है, गाड़ी को निकाल रहा है कैसे, क्या कर रहा है, उसका पार्ट्स कैसे जोड़ता है, पार्ट्स का नाम क्या, ये सारा चीज़ें को आप नोट करना है। और 100% श्योर कि आपको इतना वक्त नहीं लगेगा इसको सीखने में, लगभग 2 साल काफ़ी होता है, लेकिन जो लोग मेहनत करता है, जो दूसरा टैलेंट भी होता है, वो लोग लगभग 6 से 7 महीना या 1 साल के अंदर भी सीख लेता है, ठीक है। आपको परफेक्ट नहीं होना अभी, बस एक प्रोफेशन पकड़ सकें कि आप यहाँ दुबई में या फिर बाहर कंट्री में जाके बोल सकें कि मेरा प्रोफेशन ये है, मैंने इंडिया में ये काम किया है, आपको प्रोफेशन हो जाता है ना उसके बाद, आपको एक्सपीरियंस होता है। आपने 2 साल या 3 साल या 4 साल जब इंडिया में ये काम कर लेते हो, है ना, मान लो यदि आप बहुत टैलेंटेड हो, अपने 2-3 साल वहाँ में काम करने के बाद शायद आप थोड़ा बहुत स्पेशलिस्ट बन जाते हो, मतलब थोड़ा अच्छा काम कर सकते हो, गाड़ी खराब को तुरंत बना सकते हो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा, वेल जब आप टाइम में ये सीख रहा होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ पैसा देगा, 100-200 महीना का या 10,000-5,000 जो भी देगा, शायद वो पैसा जमा करके आप जब तक यहाँ आना चाहो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब टारगेट करते हो तब तक आपको बस यहाँ आने का पैसा भी होगा, स्किल भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, राइट। तब जब यहाँ आओगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एजेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप
उन जगहों में जा सकते हैं। मान लो गैरेज, आप गैरेज के लाइन से हो तो गैरेज में जा सकते हो। यदि आपने कुक सीखा है, कुक सीखने के लिए भी सेम है, कोई भी रेस्टोरेंट या होटल में जाओ आपके नेबर में, वहाँ जाके आप पहले शुरुआत करो, झाड़ू पोछा मारो, उनको बोलो मेरे को काम चाहिए तो मैं झाड़ू पोछा मार दूंगा, बस बर्तन धो दूंगा। लेकिन आपका मकसद कि आपको चीज़ें सीखना है, तो जो आपको हमें कुक है, शेफ है, उनसे अच्छा कॉन्टैक्ट रहो, उनसे दोस्ती बनाओ। उसको ये नहीं बोलो कि मेरे को बाहर देश जाना इसलिए मैं सीखने के लिए, बोलो कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ क्या। ऐसे करके आप जब उनके साथ भी 5-6 महीना बिताते हो, तो 5-6 महीने कुक सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त है। और मैं सिर्फ 5 महीना 6 महीना सीखो नहीं बोल रहा, एटलीस्ट 1-2 साल सीखो वहाँ। यदि 1-2 साल आप कुक ही बनना सीखता तो एक अच्छा कुक वहाँ भी बन जाते हो। 2 साल सीखा वाला कुक यदि आप किसी होटल में जाए काम करो तो वहाँ इंडिया में भी आपको 10,000-20,000 मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इतना एक्सपीरियंस हो, इतना नॉलेज लेके जब दुबई आते हो या आउट कंट्री आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है उस फील्ड में, आप भले अच्छा हो उस फील्ड में, मान लो आप अच्छा कुक हो, जब वहाँ इंडिया में आपको शायद मिल रहा होगा ऑलरेडी कहीं जॉब ऑफर कर रहा होगा 20,000-30,000-40,000, लेकिन जब यहाँ आते हो आउट कंट्री में तो आपको उतना शायद सैलरी ना भी दें लोग। क्यों बोले साहब, यहाँ में फ्रेशर है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे गल्फ कंट्री में हो, चाहे फिर वो यूरोप में हो, आप फ्रेशर है, तो आप निराश नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना, क्यों आप फ्रेशर है। और आप करना क्या है उस फील्ड में, फिर से आप और थोड़ा मेहनत करो, यहाँ का चीज़ें को समझो, यहाँ का सर्कमटेंस को सीखो, क्या चीज़ें मालूम करो, उसके अपना परफॉर्मेंस जो होता है ना, अपना काम को अच्छा से परफॉर्म करो, थोड़ा अच्छा से काम करो, ताकि जो जिस कंपनी ने आपको हायर किया वो कंपनी ओबियसली देखिएगा ना आपको परफॉर्मेंस क्या है, राइट। जब आपका परफॉर्मेंस उसको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आपको वो प्रमोट करेगा, है कि नहीं, आपको इंक्रीमेंट करेगा, जिससे आपका सैलरी अच्छा हो जाएगा। और आपका सिर्फ वो गोल नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ ये 10,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, मेरा हो गया। आपको गोल होना है कि मैं अपना जो स्किल है उसको और आगे कैसे लेके जाएं। जब आप अपना स्किल में, स्किल बोल रहे हो, मान लो आप कुक है तो कुक में, कुक से आप शेफ कैसे बन सकते हो। यदि आप गैरेज में तो गैरेज से अच्छा सीख के आप टेक्नीशियन की एक अपना गैरेज कैसे खोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होता है, जब एक बार दुबई में आके आपको जॉब मिल जाता है तो उसके बाद आप खुद को पता चल जाएगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, राइट। तो आज के वीडियो में मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपको जॉब मिलने के बाद आप बिजनेस कैसे करना है, क्या कंपनी कैसे खोलना है, बस यहाँ आके जॉब मिलने का ये जो आप मैंने बताया है इसे आसमाओगे ना तो डेफिनेटली सिर्फ दुबई नहीं, आप दुनिया कहीं भी कोना में जाओ आप भूखा नहीं मरने वाला, आपका सपना 100% आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके वीडियो में बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जाने से पहले आप सबको मैं मोर देन 1150 यूट्यूब फैमिलीज मेंबर बन चुके हैं, थैंक यू। वैसे देखो जो बड़ा क्रिएटर होता है ना, जो लाखों सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर, उसको कोई भी फॉलो करता है, लेकिन हम जैसे छोटा क्रिएटर को आप लोग सपोर्ट करके इतना बड़ा बनाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू अ लॉट, थैंक यू। और मेरा एक ख्वाहिश है, एक छोटा सा विश है, ये 2023 एंड तक, मतलब 2024 आने से पहले हम 100,000 मतलब 1,00,000 यूट्यूब फैमिली मेंबर बनने की कोशिश करेंगे, और आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करेगा, बस यही एक छोटा सा मेरा तमन्ना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस ये छोटा सा अपडेट जो कि मेरे माइंड में आया और आपको बता दिया, मिलते हैं, बाय बाय।